हेलो, मेरा नाम है योगेश और आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूनिक फंक्शन के बारे में, जो कि गूगल शीट का एक सबसे जेनविन जो है कह सकते हैं हम फंक्शन है। तो यूनिक फंक्शन जनरली यूज़ किया जाता है डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के लिए हमारी गूगल शीट के अंदर से, या किसी डेटा के अंदर से रिमूव करने के लिए, या पर्टिकुलर एक किसी रेंज से डिलीट करने के लिए। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं इसका आपको सिंटेक्स दिखा देता हूँ। तो सिंटेक्स है इक्वल टू यूनिक। इसका सिंटेक्स आप देखेंगे तो सबसे पहले ये सिंटेक्स में रेंज मांगता है। रेंज यानी कि वो रेंज जिसको हम शॉर्ट करना चाहते हैं, सॉरी शॉर्ट नहीं, यूनिक करना चाहते हैं या डुप्लीकेट्स रिमूव करना चाहते हैं। और जो आप क्लोज्ड ब्रैकेट में देख रहे हैं, ये बाय कॉलम और एग्जैक्टली वंस का जो दिख रहा है, वो क्लोज ब्रैकेट में जो लिखा वो ऑप्शनल है। अगर आप उसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो ये यूनिक फंक्शन का पूरा सिंटेक्स है जो आपको ये दिखाई दे रहा है। और अगर ये सिंटेक्स आपको किसी किसी को नजर नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सिंटेक्स पूरा दिखने लग जाएगा। इसके साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है और मैंने डिफाइन भी किया हुआ है कि रेंज अब किसको कहते हैं, तो वो मैंने इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो मैं एक दो क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन करेंगे या इसको यूज करेंगे तो बेटर आइडिया होगा हमें। तो मैं अपने S1 शीट पे आया। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यूनिक नेम्स को, मतलब ये जो मेरा डेटा दिया हुआ है यहाँ पर, इस डेटा में से ये जो नेम का कॉलम है इसमें से मैं यूनिक नेम्स निकालूंगा। तो उसको यूज करके देखते हैं। देखिए यूनिक नेम्स मेरे पूरे कैलकुलेट होके आ चुके हैं। और इसी तरीके से मैं अगर यूनिक नंबर्स निकालना चाहता हूँ या कोई और कॉलम्स निकालना चाहता हूँ तो मैं उसको भी निकाल सकता हूँ। यूनिक नंबर्स भी मेरे निकल के आ चुके हैं। इसी तरीके से मैं अगर यूनिक निकालना चाहता था एड्रेस का, या बुकिंग नंबर का, कार्ड नंबर का, VST नंबर का, या STP नंबर का, तो वो भी मैं इस तरीके से कैलकुलेट कर सकता था। यूनिक फंक्शन को शॉर्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं। शॉर्ट एक फंक्शन और है, गूगल शीट का ही फंक्शन है। और यूनिक को अगर हम शॉर्ट के साथ यूज करें तो वो किस तरीके से करेंगे वो भी हम यहाँ पे देखेंगे आज। तो ये मैंने शीट पहले से बना हुआ है, शीट 2। तो मैं इसमें क्या करूंगा, यूनिक डेटा निकालूंगा और जो कार्ड नंबर है, ये कार्ड नंबर मैं शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट में लेके आऊंगा, शॉर्ट करके, या तो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट किया हुआ होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो हम डिसाइड करेंगे। तो मैं इसको करता हूँ। सबसे पहले मैंने रेंज दे दिया। रेंज के बाद मुझसे पूछता है शॉर्ट कॉलम, तो मैं कौन से कॉलम को शॉर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं कार्ड नंबर को शॉर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे देखना होगा कार्ड नंबर कौन से कॉलम नंबर पे है। तो 1 2 3 4 5 6 6 पे है। एंड किस ऑर्डर में मुझे शॉर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग के लिए मैं 1 या फिर ट्रू का यूज करता हूँ और डिसेंडिंग के लिए मैं 0 का भी यूज करता हूँ। 0 का यूज डिसेंडिंग के लिए हो गया, या फॉल्स लिख सकते हैं, और असेंडिंग के लिए ट्रू या 1। तो मैं इसको अभी असेंडिंग में कर देता हूँ कन्वर्ट। डन। अब देखेंगे मेरे S2 जो डेटा शीट है उसमें कार्ड नंबर जो है वो शॉर्ट होकर आ गए हैं और यूनिक्स हैं पूरे के पूरे कार्ड नंबर्स। इसी तरीके से अगर मैं चाहता कि मुझे बुकिंग नंबर जो है वो शॉर्ट करना है, तो मैं बुकिंग नंबर को भी करके दिखाता हूँ आपको। शॉर्ट कॉलम बुकिंग नंबर की 5, असेंडिंग में की 1। अब देखें,
बुकिंग नंबर में शॉर्ट होके आ गया है असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि मैंने वन किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे जीरो कर देता हूँ तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होके आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। तो ये तरीका है यूनिक फंक्शन को यूज करने का अपने डेटा में से डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के लिए और डेटा को जेन्युइन बनाने के लिए एक तरीके से। थैंक यू।